लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए गुरुवार 28 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्टर परिसर में बैरिकेडिंग कर तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। केवल मुख्य मार्ग पर ही आवागमन होगा। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह कलेक्टोरेट का भ्रमण कर तैयारी का जायजा लिया। जनपद बुलंदशहर में दूसरे चरण में मतदान होगा। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्र के वोटर मतदान करेंगे, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद और खुर्जा के वोटर गौतम बुद्ध नगर सीट के लिए मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। कलेक्टोरेट सभागार में नामांकन स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।